बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर क्यों चढ़ाया जाता है जब व्यक्ति लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, कोई शास्त्रोक्त मत है, कुछ ऋषियों के सिद्धांत है? आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। बहनों भाइयों, महर्षि गौतम, वशिष्ठ, धर्मसूत्र और पाराशर स्मृति, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें बताया गया है कि ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है और हमारे शरीर के अंग उन पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नाक भूमि तत्व का, जीभ जल तत्व का, आंख अग्नि तत्व का, त्वचा वायु तत्व का और कान आकाश तत्व का प्रतिनिधि अंग है। तो विभिन्न कारणों से देखा जाए तो सभी तत्व अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व कभी अपवित्र नहीं होता है, इसलिए धर्म ग्रंथों में कान को सबसे पवित्र माना गया। मनुस्मृति के अनुसार नाभि से नीचे का भाग अपवित्र माना जाता है। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर लपेटा जाता है, दाएं कान को बाएं कान से ज्यादा पवित्र माना जाता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु दाहिने कान में ही गुरु मंत्र देते हैं। गोभिल ब्रह्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के दाहिने कान में वायु, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण देवता निवास करते हैं। पाराशर स्मृति के 12वें अध्याय के अनुसार, 12वें अध्याय के 19वें श्लोक के अनुसार बताया गया कि छींकने से, थूकने से, दांत जूठे होने से, मुंह जूठा होने से और मुंह से गलत और झूठी बात बोलने से अगर पाप से निवारण चाहते हैं तो दाहिने कान का स्पर्श कर लेना चाहिए। अगर आपके पास आचमन का जल नहीं है, कोई मंत्र जप, मानसिक मंत्र जप करना चाहते हैं और आचमन का जल आपके पास नहीं है, तो भी आप दाहिने कान का स्पर्श करके मानसिक मंत्र जप कर सकते हैं। कभी झूठ बोल दें या कभी मुंह से गाली निकल जाए तो उसके दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए भी आप दाहिने कान का स्पर्श कर लें। मैंने भाइयों, दाहिने कान की जो नाड़ी है वो मूत्राशय से जुड़ी होती है और बाएं कान की जो नाड़ी है वो गुदा मार्ग से जुड़ी होती है। सांख्यायन स्मृति में भी इस बात को बताया गया कि आदित्य, वसु, रुद्र, वायु और अग्नि देवता किसी भी ब्राह्मण के, विप्र के दाहिने कान में सदा रहते हैं। आचार्य मयूख ने भी इसी तरह से बात कही कि अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य, अनिल और सब देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। आचार्य पाराशर ने कहा कि गंगा आदि सरिताएं, तीर्थगण, ये सब दाहिने कान में निवास करते हैं, इसलिए ऐसे पवित्र अंग पर मलमूत्र त्यागते समय यज्ञोपवीत को चढ़ा लेते हैं जिससे वह यज्ञोपवीत अपवित्र ना हो पाए। कान और ऊपरी अंगों को सदैव अगर निरोगी रखना चाहते हैं, सदा पवित्र रखना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु का एक मंत्र है, इसको जरूर आपको मानसिक जाप करना चाहिए और वो मंत्र है ओम हुम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। मनु भाई सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।